कहानी भी गुलामी होर वायदे रे देशा में वापिस मुड़ी करे ईणा। इसराइली होर यहूदा या दुई राज्य रे लोका परमेश्वर रे विरुद्धा में पाप करू ते यो वायदा चोड़ू जो परमेश्वर ते संगा सीने पहाड़ा में करू दा थी। परमेश्वर बहुत सारे भविष्य वक्ता बे चेतावनी दीने री तेनी त्या सेटा बेजू की ते अपने पापा माने होर भी हक परमेश्वर री आराधना करनी शुरू करे पर ते भविष्य वक्ता री गल्ला सुनने का नाई करू। ते बा परमेश्वर इसराइली राज्य होर यहूदा राज्य रे दुई लोका बे सजा दिनी और त्यारे दुश्मना बे आज्ञा दिनी कि तमे दुई राज्य रा नाश करा। अशूर राज्य एक शक्तिशाली और निर्दयी राज्य थी ते इच्छी करे इसराइली राज्य रा नाश करू। अशूरी लोके इसराइली राज्य में इच्छी करे बहु लोका मारी ते जो चाऊ सो लुटू और देशा रे कई हिस्से आगे संगा जाली पाई। अशूरी सेना शिक्षा देने आले लोका सेठ लोका होर एड़े कारीगर लोका जो कीमती चीजा बनाई सका सबे एक ही बार कट्ठे करी और त्या अशूर देशा बनी। एवं इसराइल देशा में थोड़े जे गरीब इसराइली लोका बच्ची दे थी क्योंकि अशूरी लोका इसराइली राज्य में रोने री तेनी विदेशी लोका आने करे आए ते विदेशी लोके त्या नगर भिया का बनाई जो इजरायली लोका का तखे बच्ची दे थी। विदेशी त्या संगे ब्याह करू या लोका रे वंशा बे सामरी बोला। यहूदा राज्य रे लोके हेरू की परमेश्वर री आज्ञा नाई मानने का और तेउ पेंदे बुशो नाई करने का केड़े परमेश्वर इसराइली राज्य रे लोका बे सजा देनी पर तेता बाद भी ते कनानी देवारी आराधना करनी नाई छाड़ी। परमेश्वर त्या बे चेतावनी दीने री तेनी भविष्यवाणी करने आले भेजी पर ते भविष्य वक्ता री गल्ला सुनने का नाई करू। अशूरी लोका रे जरिए इसराइली राज्य रा नाशा करने का लगभग 100 साल बाद परमेश्वर बेबीलोन देशा रे राजा नबुकदनेस्सरा बे यहूदा राज्य में हमले करने री तेनी भेजी। बेबीलोन एक शक्तिशाली देश थी। यहूदा रो राजा नबुकदनेस्सरा रो सेबेदार बनने री तेनी होर हर साला तेउ बे बहुत सारा धन दीने बे तैयार हो। पर कुछ साल बाद यहूदा रे राजा बेबीलोना का धोखा करू तेबा बेबीलोना रे लोका वापिस इच्छी करे यहूदा रे राज्य पेंदे हमला करू ते यरूशलेम शहरा में कब्जा करू देवरो नष्ट करू और देवरे रख जाना लुटी करे नियू। बेबीलोन देशा संगे धोखा करने री वजह का नबुकदनेस्सर राजा यहूदा रे राजे बे सजा दिनी और तेउरे सैनिक यहूदा राजे रो शोरू तेउरे सामने मारी पाऊ और तेउ की यहूदा रो राजा कानो करू। एता बाद ते सो यहूदा रो राजा नियू की सो बेबीलोना रे जेल में मोरे। नबुकदनेस्सर होर तेउरी सेना यहूदा राज्य रे लगभग सारे लोग का डाकी करे बेबीलोन देशा में नी यहूदा राज्य में का त्या सीधी गरीब लोग का छाड़ी कि त्या तखे खेचा में फसला रा काम करी सके। यह सब वक्त थी जेबा परमेश्वर रे लोग का वायदे रे देशा छाने बे मजबूर करी थी पर परमेश्वर अपने लोग का बे त्यारे पापा री वजह का सजा दिनी पर त्या गुलाम होने बाद भी परमेश्वर अपने लोग का और अपने वायदे नाई बिसरू। परमेश्वर री नजर हर वक्त अपने लोका पेंदे रोंदा थी और सौ अपने भविष्य वक्ता रे जरिए ते संगा गल्ला करदा रहू। परमेश्वर वायदा करू कि 17 साल बाद त्या बिया का वायदे रे देशा में ईणे। लगभग 17 साल बाद फ्रांसा रे राजा कशून बेबीलोन देश हराऊ तेबा बेबीलोन देशा रे बजाए फ्रांस देश कई देशा में राज करू। इसराइली लोका बे एबा यहूदी बोला थी त्या म्या का बहु अपनी जिंदगी बेबीलोना में बिताई थी सिर्फ बहु कम यहूदी यहूदा रो देश याद थी। फ्रिंसी लोका बहु समर्थी आले थी पर ते अपने जीवंदे बक्ते लोका पेंदे दया करी। फ्रिंसी लोका रे राजा बनने रे थोड़े बक्ता बाद किशुन राजे एक आज्ञा दिनी
कोई भी यहूदी होर जो यहूदा रे राज्य में वापिस इना चांदा त्या फ्रांसा का निकली करे यहूदा बे वापिस नहीं सका, पर ते उत्या बे मंदिर बिया का बनावने बे धन भी दिना। गुलामी रे 17 साल बाद थोड़े बहु यहूदी लोका यहूदा राज्य रे यरूशलेम शहर में वापिस आवे। जब त्या लोका यरूशलेम शहर में पूजे तब ते देहुरे रे और नगर रे चौ तरफा री दीवारा बिया का बनाई। फ्रेंसी लोका एबा भी त्या पेंदे राज करा थी, पर त्या एकी बारी बिया का बाइदे रे देशा में रोंदे लागे थी और देवरे में पूजा करते लागे थी।